प्रियंका, तुमने पूरे फ्लैट की साफ सफाई सही से करा दी है ना? क्योंकि आज बॉस आने वाले हैं, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। काजल, भाई ने कितनी अच्छी फ्लैट बनवाई है ना? अरे रुको रुको, कहाँ चले जा रही हो? बहन जी, वो ये फ्लैट देखना था। फ्लैट देखना था? अभी यहाँ के मालिक ने आए तो अभी नौकरों की जरूरत नहीं है, जब मालिक आ जाए तब पूछने आना, अभी यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, अभी जाओ यहाँ से। और वैसे भी अभी कोई फ्लैट चढ़ा तो है नहीं, तो अभी हमें नौकरों की जरूरत भी नहीं है, किस लिए आई हो? काम लेने के लिए ही ना। अरे बहन जी, हम फ्लैट देखने आए हैं, कोई काम करने के लिए नहीं आए यहाँ पे। यहाँ पे क्या सर्कस चल रही है जो तुम यहाँ पे देखने आई है? फ्लैट देखने? तुझे पता भी है यहाँ का फ्लैट कितना महंगा है? पूरे 40 लाख रुपए का। तूने सपने में देखे 40 रुपए हैं? ये 40,000 रुपए वो तो तेरे बस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना लेने वाला बंदा सिर्फ अमीर बंदे होते हैं, तुम जैसे गरीब नहीं फटीचर जो कहीं से भी उठ के यहाँ पे आ जाते हैं। और वैसे भी तुम लोगों की शक्ल देख के लगता है झुग्गी झोपड़ी से सीधे यहीं उठ के आए हो। यहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों को फ्लैट दिया जाता है, तुम जैसे गरीबों को नहीं। यहाँ पे अगर हम झुग्गी झोपड़ी बनाते ना तो शायद तुम आके यहाँ पे ले सकते, पर हम झुग्गी झोपड़ी वाला काम नहीं करते, हम बड़े लेवल का काम करते हैं जो कि तुम्हारे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ से अभी तुम जाओ, क्योंकि हमारे बॉस आने वाले हैं। अगर बॉस आ गए और उन्होंने देखा कि हम तुम लोगों से बहस कर रहे हैं तो वो हमें बहुत सुनाएंगे। जल्दी यहाँ से निकलो और तेजी में। और वैसे भी अजगर देखो तो सही, कहाँ से कीचड़ में से लद के आई है ये? क्या बहन जी, क्या करके आई हो? क्या झाड़ू पोछा लगा के आई हो या रोड साफ करके आई हो? और इसकी तो हालात देख लो, दोनों की दोनों एक ही जैसी है, गवार आ गई है फ्लैट देखने के लिए। सर्कस नहीं चल रही है यहाँ पे जो तुम्हें मैं यहाँ पे सर्कस दिखा दूँ? प्रियंका, गलती इनकी नहीं है, गलती ना इनकी हालात की है, क्योंकि ये लोग ना अपने आप को अमीर समझ रहे हैं, और वैसे ये अमीर है भी नहीं, क्योंकि इनकी हालत देखो, चप्पल में कीचड़ वगैरह लगा हुआ है, शक्ल इनकी देख रही है, 12 बज रहे, मेरे को लगता है इनकी नींद पूरी नहीं हुई है, नींद तोड़ के सीधा यहाँ पे आ गए कि थोड़ा मजाक करते हैं, पर हमें भी मजाक के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। और अगर तुमने हमारा और ज्यादा टाइम वेस्ट करा ना तो मेरे हाथों से कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। प्रियंका, इन्हें समझा, कहते यहाँ से जाए, अगर हमारे बॉस आए ना तो हमें बहुत सुनाएंगे। इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मार के निकाले या फिर हमारा बॉस आए और तुम्हें वो निकाले, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, सुबह सुबह मूड ही खराब कर देते हैं। अरे छोड़, तू अपना काम कर। बहन जी, आपको पता नहीं कि हम लोग कौन है, इसलिए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। अगर पता होता ना तो आप लोग ऐसी बातें नहीं करते, और अगर सच्चाई पता चलेगी ना तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। ओह माय गॉड, कहां की वीआईपी हो या वीवीआईपी हो? मुझे लगता है ना पौवा तो नहीं चढ़ा लिया तुमने सुबह सुबह, क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है, और ठंड में ना वही एक काम आता है ठंड को दूर करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने बेशर्म है, इतनी देर से इनकी इतनी गंदी गंदी बेइज्जती करे जा रहा हूँ मैं, तब भी यहीं पे बेशर्मों की तरह खड़े हुए हैं। और इनके में से तो कितनी बदबू भी आ रही है। नहीं नहीं, तेरे अंदर से तो वो महंगी गुच्ची वाली जो परफ्यूम होती है ना, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, हम तो तारीफ कर रहे हैं तेरी। अरे भगा इनको यहाँ से। अब तुम जा रही हो या नहीं, या धक्के मार के ही निकालना पड़ेगा, ऐसे तो तुम्हें समझ आएगी नहीं। चलो निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है ये सब? बॉस आप यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को धक्का देने की? दीदी? दीदी? आपकी दीदी तो लंदन में स्टडी करने के लिए गई है ना, तो ये कैसे? लंदन गई थी, ऊपर नहीं, जो वापस नहीं आएगी। तो सर, लंदन वाले आपको लगता है इस उलिये में आएंगे? देखना कैसी गवार सी तो ये बन के आई है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसे लोग लंदन जा सकते हैं? नहीं नहीं सर, ये तो मजाक कर रही है, इसकी आदत है ऐसे बोलने की। सर, हमने सारे फ्लैट की सफाई वगैरह अच्छे से करा दिए, आप आ जाइए, और दीदी आप भी चलिए। दीदी क्या करा इन लोगों ने? बहुत अच्छी खातिरदारी भाई, उम्मीद से ज्यादा। और इतनी खातिरदारी करने के बाद बोल रहे हो कि अब अंदर आइए, मतलब तुम लोगों के साथ ऐसे बिहेव करते हो? जो भी फ्लैट देखने आते होंगे उनको कपड़ों से जज करते हो, उनकी हुलियों से जज करते हो? वो अगर दिखने में सुंदर है, स्मार्ट है, तो वो फ्लैट देखेगा। किसी की स्मार्टनेस और कपड़ों से ना पैसे की कोई लेना देना नहीं है, फ्लैट कोई भी ले सकता है जिसके पास पैसे है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आप हमारे बॉस की बहन हो, वरना हम आपके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। अच्छा, तुम लोगों को पता लग गया ये मेरी बहन है तो तुम इन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो, और अगर ये कोई आम इंसान होती तो तुम इनके साथ वैसा ही व्यवहार करते ना जैसे अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। और भाई, आपने इन लोगों को हायर कैसे कर लिया, किस बिहाफ पे हायर किया है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आप ऐसे लोगों को हायर करते हो जिसके पास इंसानियत हो, और इन लोगों के पास इंसानियत तो बिल्कुल नहीं है। पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, ये लोग चाहते हैं कि इनका फ्लैट वो देखने आए जो वेस्टर्न ड्रेस वियर करे। जरूरी तो नहीं है ना, इंसान को अपनी कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि तुम लोग भारत की संस्कृति को पीछे छोड़े जा रहे हो, और मुझे
बहुत ही शर्म आ रहा है कि मेरे भाई ने तुम दोनों को हायर किया है। मैम सॉरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो बस आप, हमने आज सफाई करवाई थी तो इसलिए हमें लगा सब कुछ गंदा हो जाएगा और बॉस भी आने वाले थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज मैम माफ कर दीजिए, हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आइंदा किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। और रही बात मेरे पहनावे की, मैं खुद की फ्लैट देखने आई हूँ तो क्या मैं सजदस की आऊंगी? और कोई भी ग्राहक अगर फ्लैट देखने आता है ना, तो तुम लोग का फर्ज बनता है कि तुम लोग फ्लैट दिखाओ, ना कि तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े जज करो कि तुम पैसे वाले हो या नहीं। तुम सूट पहन के आए हो, साड़ी पहन के आए हो, जींस पहन के आए हो, क्या मैटर करता है? ये फ्लैट हम लोगों ने ना सबके लिए बनवाए हैं। और इतना ही शौक है ना तुम लोगों वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने का, तो एक काम करो यहाँ से निकल जाओ और वहाँ पे जाके नौकरी करो जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा मिलता हो। एक काम करो तुम लोग US वगैरह में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हें बहुत शौक है ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने का, तो वहीं पे जाके अंग्रेजों की गुलामी करना, क्योंकि हमारे देश में रह के तुम जैसे लोग तो तरक्की कभी कर नहीं सकते हो। हो सकता है वहाँ पे गुलामी करके 4 पैसे ज्यादा कमा लो। निकल जाओ यहाँ से। सर क्या बोला मेरे भाई ने? निकल जाओ। चलिए दीदी।